अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रजा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्रेन एकेडमी। आई होप कि आप तमाम तर व्यूवर्स, तमाम तर स्टूडेंट खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब को खुश और खैरियत से रखे, ये मेरी दिल से दुआ है आप तमाम तर व्यूवर्स के लिए, तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए। तो रिसेंटली बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ आज की वीडियो के अंदर, स्पेशली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सी मेरी बहनें, बहुत से मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं और बार बार मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे दें, कैसे दें, LMS के ऊपर हमें कोई आइडिया नहीं है सर, इस तरह से हमसे नहीं दिए जाएंगे, तो काइंडली सर हमें गाइड करें। और रिसेंटली आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पर आ चुकी है जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। यकीनन आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। खैर, वीडियो को आप देखिएगा विदाउट स्किप किए। वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले तमाम तर व्यूवर्स, तमाम तर स्टूडेंट, वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में खड़ी घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन में कर लें, ताकि फ्यूचर में कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता हूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा और आप वीडियो को देख पाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो डेयर स्टूडेंट्स, एक तो आप यहां पर क्लियर और वाजे सुन लें, काफ़ी ज़्यादा इस तरह के वीडियोस आ रही हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं और बार बार मुझे कमेंट कर रहे हैं, पता नहीं उन्हें क्या है और ऐसा क्यों बता रहे हैं, जबकि एक जो कि रियलिटी होती है वही बच्चों को बतानी चाहिए। तो यूनिवर्सिटी की आरम से एक तो बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पर ये आई है कि डे स्टूडेंट्स, एक तो कुछ लेवल हैं, जो कुछ क्लासें हैं उन बच्चों के तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने ही नहीं हैं, लेकिन जिन बच्चों के ऑनलाइन एग्ज़ाम होने थे उनके पास भी बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। तो उन बच्चों ने, जैसा कि एक मैंने आपको हिंट दिया था कि आपके लिए जल्दी एक गुड न्यूज़ आने वाली है, तो वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। वो कंफर्म हो चुकी है एग्जामिनर कंट्रोलर की जानिब से, ये हतमी फैसला आ चुका है। एक तो मेरी आप तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दिल से दुआ है कि आपके एग्जाम में स्पेशली एक ग्रेड मार्क्स लगे हों। कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखेगा, आपके आमीन लिखने से इंशाल्लाह मेरी दुआ जरूर कबूल होगी। यार मैं कितना बड़ा आलिम तो नहीं हूँ, आपके आमीन लिखने से इंशाल्लाह मेरी दुआ जरूर कबूल होगी। और ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा भी लगाइएगा, कमेंट बॉक्स में भी ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जरूर लिखेगा। तमाम तर स्टूडेंट सुन लें, जो सब्जेक्ट, एक तो पहली बात जो बच्चों ने, जिन बच्चों ने LMS के ऊपर करने हैं, जिन बच्चों के सब्जेक्ट हैं उर्दू में या अरेबिक में, वो बच्चे जैसे असाइनमेंट्स बनाते हैं वैसे असाइनमेंट्स बनाकर एक सवाल को 600 वर्ड में लिख कर उसको PDF फाइल में कन्वर्ट करके भी LMS के ऊपर अपलोड कर सकता है, उसे कोई भी परेशानी नहीं है। यहाँ पर उर्दू में ज़्यादा और अरेबिक में मसला आ रहा था। और सेकेंड में आपको बता दूं, BA और BCOM के जो बच्चे हैं, इन बच्चों ने तो ऑनलाइन जमा करवाने ही नहीं है, इन बच्चों ने तो अपने घर में असाइनमेंट्स की तरह अपने पेपरों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद मतलब कि एंड टर्म असेसमेंट इन बच्चों के एग्जाम होंगे, उसके बाद इन्होंने क्या करना है, बाय पोस्ट जमा करवा देनी है। जल्दी आपको रोल नंबर स्लिप के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड कर दिया जाएगा। आई होप कि आज की शॉर्ट सी वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।